हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशुटॉक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको केप जिमिनी कंपनी की तरफ से आई बहुत ही अच्छी हायरिंग अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप 2021 पास आउट बैच से बिलोंग करते हो तो आप इस जॉब रोल अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीटेक किया है कोई भी फील्ड से, कोई भी स्ट्रीम से, आपकी कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल, सिविल, आईटी, सीएस, जो भी ब्रांच हो, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। एंड एमसीए कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सभी 2021 पास आउट बैच से पास आउट हुए हो। तो सभी डिटेल्स हम आज के इस वीडियो में देखने वाले। पूल कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव देखने मिल जाता है आपको केपजेमिनी कंपनी के तरफ से। तो वीडियो को एंड तक के जरूर देखें। एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। जैसे कि आप देख सकते हो, पूल कैंपस ड्राइव 2021 बैच इंजीनियरिंग एंड एमसीए फ्रेशर्स, तो इस तरह से आपको देखने मिल जाता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है लास्ट डेट टू रजिस्टर September 1st। तो 1 सितंबर से पहले पहले यहाँ पे आपको रजिस्टर कर लेना है। एंड असेसमेंट विल शेड्यूल स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd week of September। तो 1st week को लास्ट रजिस्ट्रेशन है, 2nd week of September से आपकी असेसमेंट जो है शेड्यूल स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने मिल जाता है। अगर आप 2021 में ग्रेजुएट हुए हो तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एंड आपके 60% एकेडमिक स्कोर होना चाहिए सेमिस्टर में, आपके ग्रेजुएशन में एंड डिप्लोमा में। ठीक है, ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। एसएससी एंड एचएससी स्कोर का यहाँ पे कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। एंड ये क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए तो एमसीए कैंडिडेट्स एंड बीटेक कैंडिडेट्स ओपन फॉर ऑल ब्रांचेस फॉर बोथ बी एंड बीटेक। तो कोई भी ब्रांच से बिलोंग करते हो बीटेक से तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। एमई एमटेक स्टूडेंट्स मस्ट बी ओनली फ्रॉम आईटी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो अगर आपने एमई एमटेक किया है तो आप इन्फॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर साइंस या आईटी से ही बिलोंग करने चाहिए। आपकी गुड इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, स्पोकन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। मस्ट बी ओपन टू रीलोकेट टू एनी केपजेमिनी लोकेशन। तो केपजेमिनी के कोई भी लोकेशन पे आपको रीलोकेट किया जा सकता है। अगर आप एक्सेप्टेड हो तो ही इसमें अप्लाई कीजिए, ये मेंशन किया गया है। और जो वेरियस टेक्नोलॉजीज है, डोमेन है, रोल है, वहां पे आपको वर्क करने के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। शिफ्ट में भी आपको वर्क करना पड़ सकता है, तो ये सभी चीजें मेंशन की गई है। और यहाँ पे सर्विस लेवल एग्रीमेंट बॉन्ड यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसके वो आप एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, शुड बी ओपन टू साइन, ये चीज यहाँ पे आपको मेंशन की गई है। और भी बेसिक चीजें मेंशन की गई है जो कि आप रीड आउट कर सकते हो। और यहाँ पे डेट दी गई है 23rd अगस्त से September 1 के बीच में, आप कभी भी यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। और 2nd week of September से असेसमेंट स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे आपको असेसमेंट प्रोसेस देखने मिल जाता है। सबसे पहले आपका टेक्निकल असेसमेंट होने वाला है, सूडो कोड। ठीक है, ये step 1 होने वाले। step 2 की बात कर ली जाए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट। तो 2nd जो स्टेप होने वाला है उसको कम्युनिकेशन टेस्ट होने वाला है। फिर गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। फिर बिहेवियर कॉम्पिटेंसी प्रोफाइलिंग होने वाला है। एंड लास्ट राउंड टेक्निकल एंड एचआर राउंड होने वाला है। इस तरह से टोटल 5 राउंड होने वाला है केपजेमिनी के असेसमेंट प्रोसेस में। तो ठीक है, आप देख सकते हो ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर द टेस्ट असेसमेंट step 1 to step 3 विल बी इन्वाइटेड फॉर इंटरव्यू। जो स्टार्टिंग के 3 राउंड है वो एलिमिनेशन राउंड है। अगर आप ये 3 राउंड क्लियर करते हो उसके बाद ही आपको इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जो step 4 है वो एलिमिनेशन राउंड नहीं है। तो यही बेसिक चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। सभी चीजें आप रीड आउट कर सकते हो एंड आप इस जॉब रोल अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।